नमस्कार दोस्तों, कुमाई इलेक्ट्रॉनिक में फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे पास एक आप देख सकते हो ये अल्ट्रा स्लिम का टीवी आया हुआ है और इसमें बिल्कुल ही कुछ मतलब शो नहीं हो रहा है, सिर्फ इंडिकेटर इसका जलता है, ब्लिंक करके बंद हो जा रहा है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे क्या दिक्कत है इसकी। तो मैं किट को खींच ले रहा हूँ और आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले मैं इसकी क्या कंडीशन है ऑन होने की वो आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो आप जैसे कि मैं आपको चलता हूँ स्क्रीन की तरफ लेकर और दिखाता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसकी। तो दोस्तों ये मैं अभी स्विच को ऑन करता हूँ तो आप देख सकते हो ये इसने थोड़ा सा ब्लिंक किया और ये बंद हो गया, लेकिन सेट अभी तक कुछ ऑपरेट नहीं हो रहा है। और क्यों ऑपरेट नहीं हो रहा है इसके बारे में हम थोड़ा टेस्ट करेंगे और देखेंगे और क्या प्रॉब्लम है वो आपके सामने लेके आएंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें दोस्तों, वीडियो पूरा वॉच करें तो बने रहे मेरे साथ। तो दोस्तों सबसे पहले हम एक काम करेंगे, इस किट को हम यूँ पलटेंगे तो ये पलटी नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें दोस्तों देख सकते हो ये इसका जो सप्लाई कनेक्टर है ये छोटा है तो ये पलटने नहीं देगा। तो इसकी जगह हम इसे निकाल देते हैं और इसे पलट लेंगे और इसकी जगह कोई नया जम्पर लगा कर इसकी टेस्टिंग कर लेंगे दोस्तों। और जैसे देख पा रहे हो ये जैसे कि अभी मैं इसको पलटूँ तो अभी आप देख सकते हो बहुत आसानी से पलट गई है किट। और मैं इसमें अभी यहाँ पर जो पावर सप्लाई का सेक्शन है यहाँ पर अलग से लीड लगा कर तो इसे टेस्ट करने वाला हूँ और तब देखूँगा मैं क्या इसमें फॉल्ट है। तो दोस्तों ये आप जैसे देख सकते हो मैंने इसमें पावर सप्लाई के लिए कनेक्शन कर लिया है, जो अलग से एक ये कनेक्शन वायर लगा रखी है और अब इसे मैं करने जा रहा हूँ टेस्ट। तो दोस्तों मैं आपको जैसे कि दिखा पा रहा हूँ इसके अभी मैं जो वोल्टेज हैं वो आपको दिखा दूँ, चेक करके आप देख सकते हो इसके वोल्टेज स्टेबल नहीं है, जो कि ये यहाँ पर 110 से 120 वोल्ट होने चाहिए जो कि हमें नहीं मिल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं कोई भी वोल्ट हमें स्टेबल नहीं हो रहे हैं। आप देख सकते हो किस तरीके से ये रनिंग में है। तो ये कहीं ना कहीं प्राइमरी का फॉल्ट हो सकता है, तो अभी हम ऐसे नहीं कुछ कह सकते तो उसको हम एक बार चेक कर लेंगे। आप देख सकते हो कोई भी वोल्ट हमारे यहाँ नहीं बन रहे हैं और जो भी हमारे जैसे ये आप देख सकते हो यहाँ से ये और ये वाले जो हमारे जो बंटन वोल्टेज होते हैं ना वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका एसटीआर ओपन करना होगा क्योंकि ज़्यादातर एसटीआर सी प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले हम एक अपने एसटीआर को ओपन कर देंगे और इसके बाद आपको दिखाएंगे कि एक्चुअल दिक्कत एसटीआर की ही थी या कुछ और थी। तो ये रहा इसका एसटीआर, अभी हम इस एसटीआर को ओपन कर देते हैं और चेक कर लेंगे इसको। तो दोस्तों हम इस एसटीआर को निकाल रहे हैं, आप देख सकते हो इसके एसटीआर के शोल्डर को हम रिमूव कर लेंगे और इसे निकालने के बाद आपको दिखाएँगे एसटीआर इसमें एसटीआर की। दोस्तों एसटीआर सबसे अच्छी बात ये होती है चेक करने के लिए, क्योंकि हमें अभी ये एसटीआर जो निकाल रहे हैं इसकी जगह हम मॉड्यूलर सप्लाई अलग से लगा के चेक कर लेंगे, इससे हमारा ये क्लियर हो जाएगा कि हमारा एसटीआर ही ख़राब है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो इससे हमारी चेक करने में भी आसानी होगा। तो अभी हमने एसटीआर को कर लिया है ओपन और यहाँ एक मॉड्यूलर सप्लाई हम लगा के आपको दिखा देंगे। तो दोस्तों हमने इस एसटीआर को निकाल लिया है, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। इसकी वैल्यू मैं आपको दिखा दूँ, शायद आपको ना देखे फिर भी मैं एक बार कोशिश करता हूँ। आप देख सकते हैं CQ07065RT ये इसकी वैल्यू का है। तो दोस्तों इसकी जगह अब हमें क्या करना है, पहले हम एक मॉड्यूलर सप्लाई करके इसको ऑपरेट करके देखेंगे कि इसमें एसटीआर का फॉल्ट था कि कुछ और भी दिक्कत थी। तो फ्रेंड्स हमने ये आप देख सकते हो मॉड्यूलर सप्लाई एक लगा ली है और इसी पर हम ऑपरेट करके देखेंगे, अगर हमारी इस सप्लाई मॉड्यूलर सप्लाई से ऑपरेट टीवी सेट हमारा जो सही सलामत ऑपरेट हो जाता है तो हम इसमें नया एसटीआर लगा देंगे। अगर इसमें एसटीआर के अलावा कुछ और भी प्रॉब्लम है तो दोस्तों इस मॉड्यूलर सप्लाई से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, इससे बहुत ज़्यादा काम करने में आसानी होगी, क्योंकि हो सकता है आगे और प्रॉब्लम हो तो ये एसटीआर फिर भी ख़राब हो सकता है, लेकिन इतनी जल्दी दोस्तों ये ख़राब होने वाली नहीं है। तो चलो फटाफट से इसे ऑन करके देख लेते हैं और देखते हैं क्या इसका रिजल्ट रहता है दोस्तों। तो दोस्तों देख सकते हो हमने ये छोटा सा मॉड्यूलर सप्लाई लगा रखा है और अब हम इसको कर देते हैं ऑपरेट और देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है इसकी, देखते हैं ऑपरेट होता है या नहीं। तो दोस्तों इसमें अब देख सकते हो ये जो हमारी कलर आईसी है वो इस साइज शॉर्ट हो चुकी है और ये आप देख सकते हो ये जली हुई है और मैं आपको थोड़ा जूम करके अच्छे से पास से दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हो ये जल गई है, शायद आपको दिख रहा होगा काली काली हो गई है और जल गई फट भी गई है। तो ये शॉर्ट है दोस्तों, अब इस साइज को हम रिप्लेसमेंट कर देंगे
और एक बार फिर से इसे ऑन करके कोशिश करेंगे कि ये सच चलता है या नहीं, या कुछ और भी फॉल्ट है इसके अंदर। तो सप्लाई का फॉल्ट दोस्तों हमारा क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं हम ये वेस्ट के ऊपर और इसकी आई सी भी हम रिप्लेसमेंट करके देख लेंगे और देखेंगे क्या होता है इसका। तो फ्रेंड्स देख सकते हो इस आई सी को मैं खोल रहा हूँ यहाँ से, और इसके शोल्डर को मैंने रूम पहले से कर रखा है, और जैसे कि आप देख पा रहे हो मैं इसको खोल लेता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हो, आपको शायद दिख रहा होगा ये नंबर है इसका, और इसकी कंडीशन आप देख सकते हो ये फटी हुई है। आपको ये दिख रहा होगा, ये आप देख सकते हो ये बिल्कुल फटी हुई आई सी है, जल गई है। तो इसकी जगह हम एक नई आई सी लेंगे, सॉरी नई नहीं है मेरे पास, मैं किसी पुराने सर्किट बोर्ड से निकाल के इसमें डाल दूँगा, क्योंकि ये ज़्यादातर हम नई इसलिए नहीं लेके आते क्योंकि हमारे पास पुराने बोर्डों में अक्सर ये मिल जाती है। जो चीज़ हमें बोर्ड से मिल सकती है वो उसमें हम पैसे क्यों खर्च करें। तो बस दोस्तों डालने से पहले एक चीज़ को इसे आइडेंटिफाई कर लें, क्योंकि ये आई सी इस बोर्ड से हम पुराने से निकाल के अगर डालते हैं तो ख़राब ना हो, शॉर्ट ना हो, वरना आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी। और मैं तो दोस्तों ज़्यादातर ऐसे ही कम चलाता हूँ, अगर हो सके तो आप नई आई सी लेकर डालें, क्योंकि आपका समय बचाएगा और नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं इसमें पुरानी आई सी को इंस्टॉल करके एक बार चला के फिर से देखूँगा। तो दोस्तों मेरे पास आप देख सकते हो ये इसकी जली हुई आई सी है, ये इसकी न्यू फ्रेश आई सी है, जो कि ये सेट से निकाली हुई आई सी है, पर कंडीशन की बहुत बेस्ट है, अच्छी क्वालिटी की आई सी है ये, और जेन्युइन सेट की है ये कोई मार्केट से खरीदी हुई तो नहीं है, तो ये ठीक काम करेगी। तो अभी हमें इसको लगा के एक बार फिर से देखेंगे। तो फ्रेंड्स सेट को कर लेते हैं ऑन और देखेंगे कि हमारा सेट ऑपरेट होता है या नहीं। तो शर्ट को हम कर रहे हैं ऑन और देख लेंगे शर्ट हमारा ऑन होता है या नहीं दोस्तों। तो आप देख सकते हो थोड़ा अल्ट्रा सेलिंग दोस्तों थोड़ा सेट रिलेटिव शो करता है डिस्प्ले को। तो आप देख सकते हो टीवी हमारा बिल्कुल ओके हो गया है और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों इसकी जो फॉल्ट का कारण था वो मैं आपको फिर से दोबारा से बताना चाहूँगा, कि जो हमारी ये जो बेस पे लगी कलर आई सी होती है, इसके शॉर्ट होने की वजह से ये जो हमारा जो एसटीआर था वो ख़राब हो गया था। इसीलिए जो बोल्ट हमारे स्टेबल नहीं थे, रनिंग में थे, तो हमने इस मॉड्यूलर सप्लाई से इसको ऑपरेट करके इसलिए देखा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में अगर आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो एसटीआर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। तो हमने इसको जब इससे चेक किया तो ये फॉल्ट क्लियर हो गया। अब हम इसकी जगह एसटीआर लगा देंगे। अगर आपके पास एसटीआर ना हो तो इस मॉड्यूलर सप्लाई को भी लगा सकते हैं, ये भी अच्छा काम करती है। तो कोशिश यही करें दोस्तों, क्योंकि एसटीआर ही लगाने की कोशिश करें आप। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा तो कॉमेंट करके बताएँ, और कोई भी किसी चीज़ का आपका कोई सुझाव हो तो आप मुझे ज़रूर बताएँ, मैं उस पर ज़रूर आपकी बातों का ध्यान दूँगा। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद।